फिटनेस कोच। सो गाइस आज मैं शेयर करने लगी हूँ आप सबके साथ 5 टिप्स टू स्टे हेल्दी ड्यूरिंग समर। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए अभी करें चैनल को सब्सक्राइब और घंटा दबाना मत भूलें। आई विल सजेस्ट कि सर्दियों से ज्यादा आपको गर्मियों में ध्यान देना चाहिए अपनी डाइट का, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमारा जो डाइजेशन होता है वो स्लो होता है। इनफैक्ट आपने भी नोटिस किया होगा कि गर्मियों में आप बहुत ज्यादा सिक फील करते हैं, स्लो फील करते हैं, आपका जो डाइजेशन है बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, डाइजेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती है। तो अगर आप गर्मियों में राइट काइंड ऑफ फूड खा रहे हैं तो उससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होगी, रिजुविनेट भी होगी, आपका जो डाइजेशन है वो स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और उसके साथ साथ आप मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको, समझ लीजिए आपने कुछ स्पाइसी खाया और आपका जो काम है वो बाहर का काम है, आप आउटडोर घूम रहे हो, धूप में घूम रहे हो, आपका बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है बेसिकली और आप विग्रसली किसी के साथ डिबेट कर रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, आपकी बॉडी में जो गर्मी है वो बढ़ जाएगी, जो आपकी बॉडी में जो पित्त है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगी कि फेस पे पिंपल्स होना, माइग्रेन की प्रॉब्लम, हेडेक होना, इरिटेबिलिटी होना, डाइजेशन रिलेटेड इशू, ये सारी चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाएंगी जस्ट बिकॉज आप राइट काइंड ऑफ फूड नहीं खा रहे हैं। टिप नंबर 1, हेल्दी फूड। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको लेनी है दैट इज स्वीट इन योर डाइट। सो स्वीट डजंट मीन कि आप चीनी खाना शुरू कर दें, स्वीट मीन यू हैव टू टेक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स इन योर डाइट। आप दूध अपनी डाइट में लें, दही हो गया, लस्सी हो गया, देसी घी अपनी डाइट में लें अगर आप फैट अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं। एंड देसी घी जो है वो बेसिकली आपकी बॉडी में मॉइस्चर को बैलेंस करता है। सेकेंड इज बिटर फूड, जिसमें आ गया मेथी, करेला एंड केल। और एस्ट्रिंजेंट में आपको लेना है स्पिनेच, हल्दी, धनिया, हिबिस्कस। गर्मियों में बेस्ट हर्ब्स है अश्वगंधा, ब्रह्मी एंड तुलसी। और स्पाइसेस में जो चीज आपको लेनी है दैट इज तुलसी, धनिया, पुदीना, इलायची, सौंफ एंड सोया। और आप ऐसी चीज़ें लें जो कि आपकी बॉडी को कूल रखे। तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपकी बॉडी को कूल रखने में आपकी हेल्प करेगा, तो आप खूब सारे फ्रूट्स लें, खीरा अपनी डाइट में इंक्लूड करें, वाटरमेलन लें, मैंगो लें, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं चाहे वो पाइनएप्पल है, मैंगो है, सारे के सारे अपनी डाइट में इंक्लूड करें। नेक्स्ट इज फूड टू अवॉइड। आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है जो आपके पित्त दोषा को एग्रेवेट करती है। बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा रिच प्रोसेस्ड और कैंड फूड नहीं खाना है। आजकल एनर्जेटिक रहने के लिए काफी लोग आइस्ड कॉफी पीते हैं, चाहे वो दूध वाली कॉफी है, चाहे वो पानी वाली कॉफी है, पर गर्मियों में आपको इसको कॉफी को अवॉइड करना है क्योंकि इट इज डिहाइड्रेटिंग इन नेचर। तो आपको गर्मियों में वैसे ही पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए है और ऊपर से आप कॉफी पी के अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट कर रहे हैं। और मार्केट में आइस्ड कॉफी के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि आप चाहो तो हर्बल और आयुर्वेदिक टीज भी ले सकते हो, और जरूरी नहीं है कि इसको आपको गर्म करके पीना है, आप चाहो तो इसको ठंडी फॉर्म में भी पी सकते हो। स्टेप नंबर 2, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। एंड गर्मियों में मोस्टली क्या होता है कि हम वाटरमेलन भी खाते हैं, हम जूस का ग्लास भी पी लेते हैं, लस्सी पीते हैं, गन्ने का जूस पी लेते हैं, और काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब चीजें पीने के बाद या खाने के बाद हमारी जो पानी की कमी है वो पूरी हो चुकी है, बट नहीं, आपको अलग से पानी पीना ही पीना है नो मैटर व्हाट। तो दिन में अगर आप 12 घंटे उठे हैं तो आपको 12 गिलास पानी पीना है, अगर आप 14 घंटे उठे हैं तो आपको 14 गिलास पानी पीना है। एंड आप इस चीज़ को थोड़ा इजी कर सकते हैं अपने लिए, अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो उस टाइम पे ही आप 3 या 4 गिलास पानी पी लें, तो थ्रू आउट द डे आपके लिए पानी पीना थोड़ा सा ज़्यादा ईजी हो जाएगा। एंड रात को सोने से पहले आप कॉपर बॉटल के अंदर पानी स्टोर करके रखें और सुबह उठ के उसे पिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली उनके लिए जिनको थायराइड है, के प्रॉब्लम है, एड प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन और आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और पता कैसे चलेगा कि आपको जितना पानी पीना है आप उतना पानी पी रहे हैं या फिर कम पानी पी रहे हैं? अगर आपका यूरिन का कलर डार्क येलो है, इसका मतलब कि जितना पानी पीना चाहिए है आप उसे कंपैरेटिवली कम पानी पी रहे हैं, तो अपने वाटर इनटेक को बढ़ा दें। अगर आपका यूरिन पेल येलो कलर का है, यानी कि फीका येलो है, देन इसका मतलब है कि आपको जितना पानी पीना है आप उतना ही पी रहे हैं। और वैसे भी अगर आप खूब सारा पानी पीते हैं ना, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा, आपकी स्किन ग्लोइंग होगी, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल्स वगैरह होते हैं, तो वो भी कम होगी। टिप नंबर 3 इज विटामिन। तो गर्मियों में आपको कौन से विटामिन की सबसे ज़्यादा जरूरत है, दैट इज विटामिन ए, सी, डी एंड ई। एंड आई विल सजेस्ट कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हैं देन यू शुड स्टार्ट योर डे विद विटामिन डी। आप कोशिश करें कि आप सुबह उठ के जब वॉक पे जा रहे हैं या फिर वर्कआउट कर रहे हैं तो उसको आप धूप में करें, एंड मेक श्योर कि आप अर्ली मॉर्निंग
धूप में बैठ के थोड़ी देर सन को सोक करें एंड गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट। वैसे तो अगर आप मेरा टिप नंबर 1 अच्छे से फॉलो करेंगे तो उसमें आपकी जितनी भी विटामिंस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, बट आजकल हमारा लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बदल चुका है, इतना ज़्यादा फास्ट हो गया है, जिसकी वजह से कोई ना कोई विटामिन हमारी डाइट में मिस हो ही जाता है। तो उस केस में आई विल सजेस्ट यू सेतु का डेली मल्टी स्ट्रिप। एंड बेस्ट बात सेतु डेली मल्टी स्ट्रिप्स की ये है दैट इट इज़ वेरी इजी टू कंज्यूम, क्विकली एब्जॉर्बिंग है एंड ओरल डिसॉल्विंग स्ट्रिप है, जिसमें कि पानी की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज टू कीप इट इन योर माउथ एंड दैट्स इट। इसको मेडिसिन की तरह आपको पानी के साथ अंदर नहीं करना है। दिस डेली मल्टी स्ट्रिप्स आर पैक्ड विद 11 की विटामिन्स। और क्या चाहिए है, इट कंटेन्स एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन D3 एंड विटामिन सी, जो कि हमें बचाए रखता है अगेंस्ट फ्री रेडिकल डैमेज। एंड ऑल्सो इट कंटेन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू बूस्ट योर एनर्जी स्पेशली इन समर, एंड विटामिन K2 विच सपोर्ट हेल्दी सर्कुलेशन एंड स्ट्रॉन्गर बोन्स फॉर ओवरऑल फिटनेस। एंड अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक विच इज setu.in, फटाफट उस पर क्लिक करें। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माई कूपन कोड दैट इज mukti10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। टिप नंबर 4, ईट एट राइट टाइम। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच भी स्किप कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको ये अंडरस्टैंड करना है दैट पूरा दिन में जब आपका डाइजेशन फायर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है दैट इज योर लंच टाइम। अगर आप अपना लंच स्किप करेंगे देन आप थ्रू आउट द डे बहुत लेजी फील करेंगे या फिर आप इरिटेटेड फील करेंगे, सो इट्स बेटर Have your lunch properly on time. और एक और चीज जिस चीज का आपको ध्यान रखना है that is your workout time. Make sure that आप सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करें। और बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि अगर वो दोपहर के टाइम में जैकेट वैकेट पहन के स्पेशली विंड चिटर जैकेट पहन के वर्कआउट करेंगे एक्सरसाइज करेंगे तो उससे ज़्यादा पसीना आएगा, ज़्यादा पसीना आएगा तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी, ज़्यादा वेट लूज होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 20 मिनट मॉर्निंग में वर्कआउट करेंगे या फिर 20 मिनट दोपहर में वर्कआउट करेंगे, बहुत ज़्यादा धूप में वर्कआउट करेंगे तो आपकी कैलोरीज उतनी ही बर्न होंगी, नो मैटर व्हाट कि आपका कितना पसीना आ रहा है, कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। एंड गर्मियों में मॉर्निंग इज द कूलेस्ट पार्ट ऑफ द डे विच इज़ बेस्ट टाइम अगर आपको वर्कआउट करना है। और साथ ही साथ आप एक और चीज़ का एडवांटेज उठा सकते हो दैट यू कैन सोक सनलाइट इन द मॉर्निंग विच इज़ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी। लास्ट बट नॉट लीस्ट एडजस्ट योर ऑयल। तो आपको अपनी बॉडी पे जो ऑयल अप्लाई करना है स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी में जो पित्त है वो थोड़ा कम हो, आप थोड़े ठंडे रहें, कूल रहें, देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल के अंदर आपको डालना है ब्रह्मी ऑयल। बट आजकल जो मेजॉरिटी ऑफ जनता है दैट अप्लाई क्रीम ऑन द बॉडी इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग ऑयल्स, आई थिंक ऑयल्स आर द बेस्ट। एंड प्लीज आज जरूर कमेंट करके बताएं दैट यू आर क्रीम पर्सन और ऑयल पर्सन। और अपने आप को शांत रखने के लिए और जो तेलों का इस्तेमाल, एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल जो आप कर सकते हैं दैट इज जैस्मिन ऑयल और सैंडलवुड ऑयल। और उसको आपको कहाँ कहाँ अप्लाई करना है, आप अपने टेम्पल एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं रात को सोने से पहले, आप अपने आईब्रो के सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं, गले पे अप्लाई कर सकते हैं, रिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और अपने बेली बटन पे। एंड दैट्स इट गाइस, होप यू लाइक माय वीडियो। एंड काफी लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। काफी सालों से मैं मेहनत करने लगी हुई हूँ, अब तक मेरे 1 मिलियन नहीं हुए हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आप देखना चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे मैं क्या क्या करती हूँ फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, अपडेट रहने के लिए बेसिकली। एंड दैट्स इट गाइस, बाय।